कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्र मौर्य को दिया फरार घोषित। यूपी के पूर्व मंत्री कहां हो गए गायब, युवक को धमकी देने जान से मारने पर हुई कार्रवाई। बेटी पर बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप, कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। बड़ी बेबाकी से बयानों के बम फोड़कर बवाल मचाने वाले और अपनी ही तरह चिरपरिचित अंदाज के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक ऐसा संकट फट पड़ा है जिसके बाद उन्होंने 9/11 होने में ही खैरियत समझी है। दरअसल लखनऊ की कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्र मौर्य को भगोड़ा घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में MP MLA कोर्ट ने धारा 82 के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्र मौर्य समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ ऐसा आदेश जारी किया है। कोर्ट की ओर से आदेश तब जारी किया गया जब इन्हें 3 बार सम्मन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि जिस मामले में उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए वारंट जारी किया गया था उस मामले में वो अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। क्या फर्जी तरीके से संघमित्र मौर्य ने की थी शादी? MP MLA कोर्ट ने कर दिया दोनों को भगोड़ा घोषित। फर्जी शादी, ओरिजिनल दूल्हा, संघमित्र मौर्य ने कर दिया खेल। दरअसल ये मामला बिना तलाक लिए फर्जी वाड़ा कर शादी करने से जुड़ा हुआ है जिसके तहत केस दर्ज कराया गया था। दीपक कुमार स्वर्णकार ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्र मौर्य समेत 5 के खिलाफ गाली गलौज व धमकी साजिश रचने का मामला दर्ज कराया था। दीपक ने कोर्ट में बताया था कि संघमित्र मौर्य उनकी पत्नी है लेकिन वे इस रिश्ते से नकार रही हैं, उनके पिता धमकी दे रहे हैं। लखनऊ की MP MLA कोर्ट में इसको लेकर एक मामला भी दायर हुआ था। कोर्ट ने अब दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। जिस RPC की धारा 82 के तहत कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी व एक अन्य के खिलाफ आदेश जारी किया है उस धारा का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध से बच निकलने के लिए फरार हो जाता है या भाग निकलता है। ऐसी स्थिति में अदालत उसके फरार होने की उद्घोषणा करने के लिए धारा 82 का इस्तेमाल करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी इस मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। जज जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, आपको वापस MP MLA कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इस मामले में वादी दीपक कुमार सरकार की ओर से उनके वकील रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुत जल्द न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। वहीं उनकी बेटी संघमित्र मौर्य बदायूं से BJP की टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। हालांकि BJP ने अब की बार संघमित्र मौर्य का टिकट काट दिया था। अब सवाल पैदा होता है कि आप नेता हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो इसका जवाब नहीं, क्योंकि आपको सजा देने के लिए संविधान है, कोर्ट है, कानून है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है।